वेलकम बैक टू चाहास ब्लॉग। मैं हूँ सिमरन और स्वागत करती हूँ आपका चाहास ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है वो काफी यमी होने वाला है, क्योंकि सिटू के बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ दूसरी। आज हम सिटू के बाद बनाने जा रहे हैं अरबी के पत्तों की डिश, जो जिसको पतरोड़ू कहा जाता है और ये काफी फेमस है। तो ये है, हमने काफी अरबी के पत्ते यहाँ पे इकट्ठा कर दिए हैं, खेत से लेकर आ गए हैं। और अब इनमें जो स्टफिंग होगी, जिस स्टफिंग हम इसमें यूज़ करेंगे, अब हम उसको पहले बनाएंगे, उसके बाद हम इसमें उसको उस स्टफिंग को लगाएंगे। इसको बनाने के लिए बहुत सारे जो लोग हैं वो बेसन का यूज़ करते हैं, बट मैं आटे का यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए गए हैं। मसालों में मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा मिर्च और लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, जो भी हम मसाले नॉर्मली एक खाने में डालते हैं नॉर्मल खाने में, वही चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। साथ ही हम इसमें और ऐड करेंगे लहसुन, जिसको मैं अभी फ़िलहाल कूटूंगी लहसुन, और उसके बाद उसके साथ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे पुदीना, मिंट। तो ये सब हम इसमें, इसको पहले हम इसको पीसेंगे, उसके बाद हम इसमें इसको डालेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से पीस दिया है, तो हम इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने इसमें डाल दिया है लहसुन और पुदीना। ये अपना ही एक अलग टेक्सचर देगा, जो कि बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर देता है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे धीरे धीरे, और ध्यान रहे कि इसमें लम्स ना बने और ये ना ही ज़्यादा गाढ़ा रहे और ना ही ज़्यादा थिक हो। इसको नॉर्मल बनाएंगे हम, जस्ट टाइम इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको हम मिक्स करेंगे। तो आज मैं बाहर ही इनको बना रही हूँ, क्योंकि आज मौसम बहुत साफ है। आज नहीं, मतलब दो तीन दिनों से मौसम ऐसे ही साफ है, तो काफ़ी गर्मी है, तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़े हवा में खुले में इसको बनाया जाए। ये देखिए ये हो गया है रेडी, हमारा बैटर रेडी है, ना ही ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे हम अपने पत्तों में। ये पत्ते हैं, तो ये इसकी सीधी साइड है और ये इसका बैक साइड है, तो हम इसके बैक साइड से इसको अप्लाई करेंगे। इसके बैक साइड में हम इसको लगाना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए, और यहाँ से मैं इसमें एक कट लगाऊंगी, इस तरह से पत्ते को इस तरह से काट देंगे। देखिए दिल बन गया। अब हम इसमें ये जो हमने बैटर तैयार किया हुआ है इसको अप्लाई करेंगे। तेरी पूरी आवाज आएगी इसमें, मत सोची कि तेरी आवाज नहीं आ रही। हमने इसमें एक और पत्ता रखा हुआ है और ये देखिए उसको हमने उल्टा रखा था, ठीक है। और अब हम इसको साइड से साइड को फोल्ड करेंगे और इन दोनों साइड में भी हम इसको अप्लाई करेंगे।
करने के बाद हम इसको 20 से इसको अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे और अब हम इसको करेंगे फोल्ड। हमारा फर्स्ट पत्रोडू हो गया है, इट्स रेडी। सो इसी तरह से हम बाकी के जो पत्ते हमारे बचे हुए हैं उनको भी इसी तरह से हम बनाए। से बंद करना भूल गई थी इसलिए इसका ऑडियो नहीं आया है, तो ये बनकर रेडी हैं और इनको स्टीम करने के लिए रख दिया गया है। हेलो, क्या तेरे चैनल का नाम बता? पार्थ ठाकुर शॉर्ट्स। और मैं कहाँ दूँ तेरे चैनल का लिंक? ड्रिप शीशे नहीं दीदी, तेरे चैनल का लिंक मेरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। नीचे का जहाँ पर टाइटल होगा उस पर आप क्लिक करना है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? नहीं वाह बोलना। ड्रिप शिक्षण है? ड्रिप शिक्षण नहीं आप आना। तो इसके चैनल का लिंक किस में मिलेगा? डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्शन होता है। तो क्या बोला था? डिप्सिशन में मिल जाएगा। तो ये बनकर तैयार है, तो अब हम इसको काटेंगे इस तरह से। सो मैंने ये चॉप कर दिए हैं और जो मेरे बस इतने ही बचे हुए थे, बाकी के जो पत्रोड़ू थे उनकी हमने सब्जी बना दी थी, तो ये हमारे पास कुछ एक बच गए हैं जिनको मैं अब डीप फ्राई करने वाली हूँ। तो इनको आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और सब्जी भी बना सकते हैं। पहले ही फटाफट बता गया तो बंद कर। के पत्तों की सब्जी और मैं कहाँ दूँ तेरे चैनल का लिंक? ड्रिप शीशे नहीं दीदी।